हाल ही में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। वजह है केरल बाढ़। राहुल गांधी वायनाड में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुई बाहरी तबाही का जायजा लेने बीते कल यानी 12 अगस्त को केरल पहुंचे हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी हैं। यहां राहुल बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, साथ ही राहत शिविरों और राहत कार्यों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने की भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी बात कर चुके हैं। इस दौरे से पहले वे पीएम मोदी पर बाढ़ के हालातों को लेकर जमकर बरसे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि आज देश के 9 राज्य भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, इस कारण 100 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए असंवेदनशील नजरिया अपनाई हुई है। वे लोगों की जान बचाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, जबकि वो ऐसा करने में सक्षम हैं। राहुल गांधी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कैग की 2017 की रिपोर्ट में ये साफ है कि बाढ़ की तैयारियों वाले प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बीजेपी ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड ही जारी नहीं किए हैं। इस दौरान राहुल ने 2017 की कैग की रिपोर्ट भी दिखाई। उन्होंने कहा कि असम को केंद्र सरकार की ओर से NDRF फंड में 2014 से लेकर 2018 के बीच एक भी रुपया नहीं मिला है। यह सरकार की अपनी रिपोर्ट ही खुलासा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मानसून सत्र में सत्तारूढ़ सरकार ने बाढ़ के हालात पर एक बार भी चर्चा नहीं कराई, जबकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लगातार गर्मजोशी के साथ उठाती रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर असंवेदनशील रवैया अपना रही है, ये आरोप राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोगों की जान बचाने में नाकामयाब साबित हो रही है। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।